अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बहुत टाइम से आप लोगों का लेक्चर का वेट कर रहे थे लेकिन लेक्चर नहीं आया था। आज हम अपना इंग्लिश का लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में या फिर किसी भी टेंस में हमारे पास सेंटेंस की थ्री टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पहली टाइप है हमारे पास पॉजिटिव। अगर हमने किसी भी टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसमें हमारे पास चार चीज़ें रहेंगी। एग्जाम्पल्स देखें, शी हैड गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट हमारे पास इस सेंटेंस में शी है, हैड हमारे पास सब्जेक्ट के बाद लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है गॉन और ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्कूल। सेकंड एग्जांपल देखें, शी हैड ईटन एन एप्पल। सब्जेक्ट इसमें हमारे पास शी है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस सेंटेंस में हमारे पास ईटन है और ऑब्जेक्ट है हमारे पास एप्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखें, शी हैड वॉच्ड अ मूवी। सब्जेक्ट इसमें हमारे पास शी है, सब्जेक्ट के बाद हमने हैड पुट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास वॉच्ड है और ऑब्जेक्ट है हमारे पास इसमें मूवी, शी हैड वॉच्ड अ मूवी। अब अगर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव टाइप का सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमने सारा फॉर्मूला हमारे पास पॉजिटिव बना रहेगा, बस हमने हैड के साथ नॉट लगा देना है, हैड नॉट। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। पॉजिटिव में हमारे पास हमने नॉट नहीं लगाए थे तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस हो गया था। अब नेगेटिव में हमने नॉट लगाया तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सिर्फ हमने सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ नॉट लगा देना है। सेकंड एग्जांपल, शी हैड नॉट ईटन एन एप्पल। इसमें भी हमने हैड के बाद नॉट लगा दिया तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल है, शी हैड नॉट वॉच्ड अ मूवी। इसमें भी हमने हैड के बाद नॉट लगा दिया तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड के साथ हम नॉट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम नॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब अगर हमने पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो पास्ट परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के हम बनाते हैं। एक हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और दूसरा हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी में पॉजिटिव और नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते थे और अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम हैड स्टार्ट पे ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले बिल्कुल स्टार्ट पे। इसकी एग्जांपल देखिए, हैड शी गॉन टू स्कूल। बाकी फॉर्मूला सारा वैसे रहेगा, बस हैड सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और हैड आप इसमें रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड हम स्टार्ट पे लगा देंगे अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, वो भी नेगेटिव। हैड के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो ऑब्वियसली हम नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखें, इसकी देखें, हैड शी नॉट वॉच्ड अ मूवी। हैड हमने स्टार्ट पे लगा दिया, सब्जेक्ट हमारे पास शी है, नॉट हमने एज इट इज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच और ऑब्जेक्ट है हमारे पास मूवी। होपफुली फ्रेंड्स, आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप वीडियो फुल देखेंगे तो आपकी कोई भी क्यूरी लेफ्ट नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता वीडियो फुल देखने के बाद तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।